नमस्कार। कार्यक्रम के आज के अंक में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर कृषि का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जिस वर्ष कृषि के उत्पादन में कमी होती है, उस वर्ष हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। ऐसे में हमारी सरकार द्वारा तो कृषि से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां आप तक पहुंचाई जाती हैं, लेकिन हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन के द्वारा भी हम आप तक समय रहते कृषि संबंधित नई नई तकनीकों की जानकारी पहुंचाने का सतत प्रयास करते हैं। तो आइए इन्हीं प्रयासों को आगे बढ़ाते हैं और आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खबरें खेती और मंडी भाव से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले देखते हैं कृषि के मुख्य समाचार। खरीफ फसलों की 8% ज्यादा बुआई, अगस्त व सितंबर में कम बारिश की संभावना, कंबल कीट की रोकथाम करें, खरीफ फसलों में करें खरपतवार प्रबंधन और जल संरक्षण से बढ़ाएं भूमिगत जल स्तर। अभी तक देश भर में 800 लाख हेक्टेयर खरीफ फसलों की बुआई की जा चुकी है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 8% ज्यादा है। 4 महीने के बरसाती मौसम में बेहद अहम माने जाने वाले जुलाई में बारिश सामान्य की तुलना में लगभग 15% कम रही। खरीफ फसलों के तहत बुआई का रकबा पिछले साल की समान अवधि की तुलना में लगभग 8.6% अधिक है और पिछले 5 वर्षों के औसत की तुलना में सिर्फ थोड़ा ही नीचे है। सामान्य तौर पर जब बारिश में कमी आती है तो बुआई की रफ्तार भी मंद पड़ जाती है और किसान अपनी फसल की बुआई के लिए इंतजार करते हैं। हालांकि जून में सामान्य की तुलना में बारिश अधिक रही और किसानों ने बारिश के शुरू में बुआई में दिलचस्पी दिखाई। दक्षिण पश्चिमी मानसून के बाकी के 2 महीने यानी अगस्त और सितंबर में सामान्य से कम यानी लंबी अवधि के औसत LPA का 84% रहने की उम्मीद है। भारतीय मौसम विभाग IMD के मुताबिक पिछले कुछ महीने में अलनीनो की स्थिति मजबूत हुई है। मौसम विभाग ने अपने बयान में कहा है कि विभिन्न मौसम एजेंसियों के ताज़ा पूर्वानुमान के मुताबिक संभावना है कि मॉनसून सीजन के बाकी हिस्से में अलनीनो के मजबूत होने की 72% आशंका है। IMD ने पूरे सीजन जून और सितंबर के लिए बारिश के जून के पूर्वानुमान को बरकरार रखा है, जो LPA का 88% है और काफ़ी कम है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगस्त में बारिश LPA की 90% तक रहने की उम्मीद है, जिसमें 9% की कमी या बढ़त हो सकती है। ये अनुमान जून की तरह ही है। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को सलाह दी है कि कंबल कीट एक बहुफसली भक्षी कीट है। इस कीट की इल्ली सभी तरह की फसलों को क्षति पहुंचाती है। इससे बचाव के लिए क्विनालफॉस 1.5% या मिथाइल पैराथियन 2% चूर्ण 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करें। इसके अलावा क्विनालफॉस 25 EC 1 लीटर प्रति हेक्टेयर दवा 700 से 800 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। कीट नियंत्रण के सामूहिक उपाय करना अधिक उपयोगी है। इसी प्रकार गर्डल बीटल सोयाबीन को क्षति पहुंचाने वाला कीट है, जो कि तने के अंदर प्रवेश कर उसे खोखला कर देता है। इसकी पहचान पौधे के तने के ऊपरी भाग या पर्णवृंत पर कीट द्वारा बनाए गए 2 छल्लों से की जा सकती है। इससे चक्र या घेरे का ऊपरी भाग मुरझाकर सूख जाता है। इसके नियंत्रण के लिए ट्राइजोफास 40 EC 800 मिलीलीटर अथवा इथोफेनप्रॉक्स 1 लीटर दवा का प्रयोग 750 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें। खरीफ फसलों की खेती मुख्य रूप से बारिश के दिनों में की जाती है। इन दिनों फसलों के साथ ही कई तरह के खरपतवार भी उगते हैं, जो फसलों को विशेष नुकसान पहुंचाते हैं। यदि समय पर इन खरपतवारों का नियंत्रण नहीं किया जाए तो फसल उत्पादन पर लगभग 50% विपरीत असर पड़ता है। खरीफ फसलों में खरपतवार नियंत्रण की प्रमुख विधियां जैसे कर्षण, यांत्रिकी, रासायनिक एवं जैविक है। इन विधियों के माध्यम से आसानी से खरपतवार नियंत्रित कर उत्पादन में होने वाले नुकसान को बचाया जा सकता है। रासायनिक खरपतवार नाशकों का उपयोग अत्यंत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। नीना नाशक का छिड़काव एक समान एवं अनुशंसित फसल में ही करना चाहिए। विशेष रूप से नीना नाशकों को बच्चों से दूर रखना चाहिए। तेज हवाओं के चलने पर एवं वर्षा की संभावना होने पर नीना नाशक का छिड़काव नहीं करना चाहिए। मिट्टी एवं जल 2 ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जिनका संरक्षण एवं संग्रहण करने में समृद्धि आती है। हमें जल संरक्षण की तैयारी करनी चाहिए।
जल संरक्षण करने से भूमि का जल स्तर बढ़ेगा, जिससे हमें भविष्य के लिए पानी के संकट से छुटकारा मिलेगा। जल संरक्षण की कुछ प्रमुख विधियां जैसे समोच्च खेती, पतवार खेती, पट्टीदार खेती, वानस्पतिक अवरोध इत्यादि अपनाने की जरूरत है। इसके अलावा जल संरक्षण की कुछ अभियांत्रिक विधियां भी हैं जिनके माध्यम से हम जल संग्रहण में वृद्धि कर सकते हैं। समोच्च बंध सूखे पत्थरों की मेड़बंदी, पत्थर की दीवार वाली वेदिकाएं इत्यादि हैं। अनुपयुक्त कृषि भूमि पर भी जल संरक्षण करके भू जल स्तर को बढ़ाया जा सकता है। इनमें से समोच्च रेखा पर वी आकार की नालियां, बॉक्स कम पिट, सूखे पत्थरों का तालाब, अर्ध पक्का तालाब एवं पक्का तालाब का निर्माण प्रमुख हैं। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। किसान भाइयों, हमारे देश में उद्यानिकी फसलें भी बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन में आती है। ऐसे में जो कृषक इस समय उद्यानिकी फसलों में लगे हुए हैं, क्योंकि यह समय बारिश का है, ऐसे में उनकी सही सामयिक कार्यों की जानकारी ले ली जाए तो उत्पादन स्तर अच्छा किया जा सकता है। तो आइए आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, गुलाब प्रकृति का एक अनुपम उपहार है। अगर इसकी खेती वैज्ञानिक सोच और आधुनिक तरीके से की जाए तो निश्चित तौर से लाभदायक सिद्ध होगी। हमारे किसान भाई फूल की खेती की तरफ वर्तमान में काफ़ी आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि इसका बाजार भाव अच्छा मिलता है और तत्काल ये बिक भी जाता है बाजार में। किसान भाइयों, इन दिनों भोपाल के गुलाब उद्यान में गुलाब महोत्सव का आयोजन किया गया है। हमारी टीम इस समय गुलाब उद्यान में है और हमारे साथ हैं यहाँ के सहायक संचालक सफी साहब। हम उनका कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। नमस्कार जी सफी साहब। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि ये गुलाब महोत्सव का आयोजन क्यों किया गया है? ये सर, गुलाब उद्यान गुलाब है उसका महोत्सव की बात नहीं कर सकते, पर इसमें दरअसल इसमें सारी चीज़ शामिल है। हॉर्टिकल्चर मतलब उद्यानिकी से संबंधित सारे विषय इसमें शामिल हैं। मध्य प्रदेश शासन की एक महत्वाकांक्षी योजना 10 अगस्त से प्रारंभ की गई है। इसके अंदर 4 खंडों में हमने इसको विभाजित किया है। पहला है आपका उद्यानिकी महोत्सव। चूँकि मौसम आप जानते हैं कि पेड़ पौधे लगाने के लिए काफ़ी अच्छा होता है, और किसी भी इसके पौधे लगा दें, पौधों की जीवित प्रतिशत ज़्यादा होती है, पौधों की जड़ें जम जाती हैं और अच्छा होता है। इस योजना के तहत
शासन की मंशा है कि जो हम लोग पुराने पौधे जो छायादार पौधे भूल चुके हैं, फलदार और छायादार, जैसे देसी आम, इमली, कटहल, खिरनी, मतलब ये आपको फल भी देते हैं साथ साथ में एक छाया भी देते हैं गर्मी के अंदर, जो काफ़ी अच्छा रहता है, दूसरा पर्यावरण के लिए काफ़ी अच्छा होता है, खूब घने पड़े होते हैं। तो इसका एक उद्देश्य कि वापस हम इसको लेकर आए, इनको लगे हर जगह देखने को मिले। तो इस योजना के तहत सबसे पहले हम लोगों ने मध्य प्रदेश शासन की इच्छा के अनुरूप ऐसी गवर्नमेंट प्रेमिसेस परिसर जहाँ पे ज़मीन खाली पड़ी है लेकिन फेंस है, सुरक्षित जगह है जहाँ पे जानवर से ये किसी तरह नुकसान नहीं है, तो उद्यानिकी विभाग के सौजन्य से उनको पौधे, बीजू पौधे आम के, कटहल के, दूसरे आपको इमली के, खिरनी के प्रदाय किए जाएंगे। उसको जो नगर की पंचायत है या आपकी नगर निगम की सीमा है, जब जो रूरल बॉडी है वहाँ की लोकल बॉडी है, वो उसको गड्ढा करवाएंगी और उसको लगाएंगी। और जो जिस स्कूल में, सरकारी स्कूल में हो, सरकारी भवन हो या सरकारी जो सुरक्षित जगह हो, वहाँ पे उसको पौधे की जिम्मेदारी, प्रवेश करने की जिम्मेदारी उनकी होगी। मतलब इसमें 3-4 विभाग एक साथ जुड़ गए हैं। उद्यानिकी विभाग की महत्वाकांक्ष योजना इसके अंदर ये हम लोगों 10 अगस्त से शुरू की है और 15 सितंबर तक चलेगी। हर पूरे मध्य प्रदेश में हमारी 307 नर्सरियाँ हैं, वहाँ से योजना प्रारंभ की गई है, वहाँ से आपके पौधे सप्लाई किए जाएंगे किसको, नगर पंचायत को, नगर निगम को, ग्राम पंचायत को, वो सरकारी भवनों में सुरक्षित जगहों में पौधे को लगाएंगी और उसका लगाने का जो लगाने के बाद परवरिश की जिम्मेदारी उनकी होगी। उद्यानिकी महोत्सव के अंदर तहत हुआ पहला। दूसरी चीज़, इसी 10 अगस्त को हमने एक और योजना लॉन्च की है, पुष्प महोत्सव। पुष्प महोत्सव हम लोग 16 सितंबर शुरू करने जा रहे हैं। इसके अंदर जो आपकी नगर निगम सीमा है या आपके जो बाज़ार हैं वहाँ पे भी हम नगर निगम की, ग्राम पंचायत की मदद से हर महीने जो पुष्प हैं, मतलब अभी आपने देखा होगा गुलाब है या मोगरा है, अपने अपने तीन अपने ज़्यादातर लोग अभी 4-5 किस्म के फूलों से परिचित हैं, जैसे गेंदा, मोगरा, चमेली, गुलाब इत्यादि। लेकिन आज की तारीख में हमारे पास हज़ारों की किस्में, विभिन्न किस्म के सुंदर सुंदर खुशबूदार पौधे, फूलदार पौधे उपलब्ध हैं। इनसे परिचय कराने के लिए हम लोग पुष्प महोत्सव भी मनाने जा रहे हैं, जो कि 16 सितंबर शुरू होकर 15 फरवरी तक चलेगा। इसके अंदर भी हम लोग पूरे निःशुल्क आपको सप्ला पौधों, छोटे पौधों की सैपलिंग होती वो प्रदाय करेंगे और उसका ही जिम्मेदारी नगर निगम या नगर पंचायत निर्वाचित संस्था है उसकी देखभाल करेगी। साथ ही एक हमारा एक स्कीम और चाहिए, गार्डन एट कॉल। अभी तक क्या होता था कि ये भी हमने 10 अगस्त से शुरू किए, इसमें क्या होता था, लोग पैसा है, लोग चाहते हैं कि पौधा लगाएं, फलदार पौधा लगाएं या नींबू लगाएं, जो भी लगाएं, उनके अपने छोटा सा गार्डन है, घर है, उस पर लगाना चाहता हूं, उनकी जेब में पैसा है, लेकिन समय अभाव के साथ पौधा नहीं खरीद सकते, पौधा खरीद लिया तो लगा नहीं सकते, लगा लिया तो उसकी देखभाल नहीं कर सकते, मतलब कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। और उनकी जो दिल की इच्छा है, वो चाहते हैं कि पर्यावरण सुंदर हो लेकिन कर नहीं पाते, तो इसमें गार्डन एट कॉल योजना प्रारंभ की गई है। इसमें हमारी एक मोबाइल यूनिट्स है, उसको इसके अंदर हमारे बिल्कुल ट्रेन जो प्रशिक्षित माली हैं, उसके अंदर सारे उनके जो भी औजार, हथियार हैं, उपकरण हैं, सारे शामिल हैं। उसमें पूरे पौधे रखे रहते हैं, फल फूल सब्जी के सारे पौधे रखे हैं। तो अगर आप हमको कॉल करते हैं तो हमने एक भोपाल शहर के लिए ख़ासतौर से स्पेशली किया गया है, सोमवार से लेकर शनिवार तक 6 रूट हमने बना दिए हैं कि आप सोमवार को हमारा एरर कलम जाएगा कि तो मंगल को खाजी गंज में जाएगा, तो बुध को हमारा कोई फिजा एरिया में जाएगा, या एक पूरे दिन फिक्स है हमारा। अगर आप हमको नंबर फ़ोन करते हैं, SMS देते हैं, जो आपका नंबर आप पहले से पता है, हमारा ऑफिस का नंबर है 55 36 55, और हमारे जो इसके इंचार्ज हैं उसका है नंबर है 9425378167। अगर आप इसे कॉल करते हैं, मैसेज देते हैं, तो आपका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के पश्चात आपकी जो उस डे में जो फिक्स डे है आपके रूट के, आपके घर के लोकेशन के हिसाब से वहाँ मोबाइल यूनिट आएगी, उसके अंदर पूरे ट्रेन पर्सन है, उसके अंदर पौधों की पूरी सप्लाई है, उसमें स्प्रे करना, लान काटना, हेज काटना, पौधों का रोपण इत्यादि सारी चीज़ शामिल है, और वो भी शासकीय रेट दर पर हैं। तो आपका जो उद्देश्य है, आपकी जो इच्छा है, वो पूरी हो जाएंगी और हमारे पर्यावरण सुंदर होगा, लोग ग्रीनरी बढ़ेगी, हमारी सुंदरता बढ़ेगी, क्लीननेस बढ़ेगा। इसी तरह से हमारा एक और योजना हम शुरू किए 10 अगस्त से, वो है फल एवं सब्जी परिरक्षण। हम लोग चाहते हैं जब सब्जियां बहुत ज़्यादा आती हैं, खासतौर से टमाटर की हम बात कर लें, फलों की बात कर लें, तो एक हर साल एक पीरियड ऐसा आता है कि हमारा
ये चीज़ 2 रुपये किलो 4 रुपये किलो तक आ जाती है, और एक पीरियड ऐसा था कि 40 रुपये किलो आ जाती है। इसको हम लोग कम करने के मिनिमाइज करने के लिए, नुकसान कम करने के लिए फल परिरक्षण प्रसंस्करण केंद्र का प्रारंभ किया गुलाब उद्यान के अंदर। यहाँ आप आइए, हम इसमें 2 तरह का सेशन किया है। एक तो आप जब फल आपके सस्ते हों, सब्जियाँ जब सस्ती हों, और आप अगर टमाटो सॉस बनाना चाहते हैं, स्क्वीश बनाना चाहते हैं, शरबत बनाना चाहते हैं, या जैम जेली जो ही बनाना चाहते हैं, पहले से आप हमारे यहाँ आई गार्डन पर आइए, वहाँ डेट लीजिए अपनी, और अपना फल पर केजी के हिसाब से हमने पूरे यहाँ यूनिट्स दे रखे हैं कि इसमें कितना आपको फल लगेगा, कितना शक्कर लगेगी, कितना मसाले लगेंगे, वो आप लेकर आइए। फिर आपकी अपनी आवश्यकता के अनुसार उतना सब कच्चा मटेरियल आप लेके आइए, वो आपके सामने टमाटो सॉस बनेगा, आपके सामने जैम बनेगा, आपके सामने जेली बनेगा। तो इससे 2 फायदे हैं, एक आपको एक श्योरिटी रहेगी 100% कि जो मैं लाया हूँ वो प्योर है, तो जो मेरे सामने बन रहा है वो प्योर है। सबसे बड़ी गारंटी आज के ज़माने में है कि हम लोग खाते हैं पीते हैं उसका ये पता नहीं रहता कि हम क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं। इसलिए जो आप प्रोडक्ट लेके आएंगे, जो कच्चा फल फूल सब्जियाँ लेके आएंगे, वो आपको श्योर रहेगा कि मेरे सामने बना है, प्योर है, पाक है, बिल्कुल स्वच्छ है, पवित्र है। तो आप सबसे बड़ी गारंटी आपकी इसकी है, पहला। दूसरा, आप देख के सीख जाएंगे कि कैसे बन रहा है, आपके सामने बनेगा। इससे 2 फायदे हैं कि आप अपने सामने बनाए, घर पर इसको बना सीखने के बाद बना सकते हैं। इसी से जुड़ी एक योजना और है, हर महीने हम 5 दिन की यहाँ पर ट्रेनिंग भी दे रहे हैं इसी के फल फूल सब्जी परिरक्षण की। इसके अंदर आप 5 दिन का कोर्स रहेगा, 5 दिन के अंदर आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, 50 रुपये इसका रजिस्ट्रेशन फीस रखा हुआ है, और हर एक बीच में हम 30 लोग लेंगे। इसमें हम पूरे आपको जैम जेली मुरब्बा स्क्वेश अचार जो जो होती है इन सबको बनाने की ट्रेनिंग देंगे, और आपको लिटरेचर देंगे, आपको सिखाएंगे। 11 से 5 इसका टाइमिंग है, ये बहुत अच्छी योजना है, तो आपसे है कि आप इसका फ़ायदा उठाइए। किसान भाई बहनों, अभी आपने देखा और जाना, अगर उद्यान की फसलों की खेती हम वैज्ञानिक सोच से करें, आधुनिक तरीके से करें, तो कम समय, कम लागत, कम जमीन में अधिक उत्पादन हम प्राप्त कर सकते हैं। सभी साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को समय पर महत्वपूर्ण जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। बात गांव की, बात किसान की, जानकारी नई तकनीक की, मुलाकात सफल व्यक्तियों से, साथ में मनोरंजन और भी बहुत कुछ, ये सब मिलेगा आपके अपने कार्यक्रम गांव इंडिया में। तो देखना ना भूलें सोमवार और मंगलवार सुबह 7:30 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। धरती पर अवतार बनकर जन्म लेते हैं कुछ ऐसे जाबाज, ये जज्बे और जुनून से खुद लिखते हैं अपनी तकदीर। ऐसे किसानों की गौरव गाथा देखिए कदमों में आसमां, हर गुरुवार रात 9:30 बजे डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। वैसे तो पशुओं की देखरेख 12 महीने की जाती है, लेकिन क्योंकि इस समय वर्षा ऋतु चल रही है, ऐसे में पशुओं में बहुत अधिक बीमारियां हो जाती हैं। वर्षा ऋतु में उनका नमी का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे में पशुओं का सही तरीके से रोग प्रबंधन किस प्रकार किया जाए, आज इसी विषय पर हमें बताएंगी पशु चिकित्सक बबीता त्रिपाठी। अभी वर्तमान में हमारे क्षेत्र में PPR कहीं कहीं देखने को मिल रहा है, ये अधिकतर बरसात में ही होता है। इसके मेन लक्षण है, ये मेन लक्षण है कि इसमें हाई फीवर, तापमान शरीर का बहुत ज़्यादा हो जाता है, डायरिया होता है, और छोटे छोटे मुंह पे दाने दिखाई देते, और जानवर खाना पीना बंद कर देता है, कमज़ोर हो जाता है। और इसके लिए, ये इसके मेन लक्षण है, इसके लिए किसान भाइयों प्रिवेंशन के लिए अपन ये करते हैं कि जानवर कम से कम ठंडी जगह में रहे, कम से कम सीड़न में रहे, और इसका रेगुलर वैक्सीनेशन होता है PPR का, शासन की तरफ से भी होता है, 1 ml सबकट इसका वैक्सीन वर्ष में एक बार किया जाता है, ताकि ये आगे रोग ना हो। इसके ट्रीटमेंट यदि बाय द वे रोग आ जाता है जानवर के लिए, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए मार्केट में जो एनरोफ्लॉक्सिसिन, सिनक्रॉन, सेप्टिकजोन बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन अवेलेबल है, उनका उपयोग करते हैं। इंजेक्शन एविल लगाते हैं ताकि इससे एलर्जी कम हो। इम्यूनोमॉड्यूलेटर लगाते हैं, लीवामेसॉल, हीविट बी कॉम्प्लेक्स,
ताकि जानवर के लिए रिकवरी जल्दी से जल्दी हो, सपोर्टिव ट्रीटमेंट के लिए। ये पीपीआर रोग के बारे में आपके लिए बताया गया है। दूसरा रोग किसान भाइयों जो बरसात में जनरली सामान्यतः देखा जाता है, HSOBQ, HS है हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया और BP है ब्लैक क्वार्टर। हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया में क्या होता है किसान भाइयों, ये अधिकतर बड़े जानवर में होता है। इसमें थ्रोट इन्फेक्शन, गले में सूजन आती है हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया में, और सेप्टिसीमिया में गले में सूजन और बहुत सडन अचानक बहुत तेज तापमान हो जाता है शरीर का, जानवर का डायरिया हो जाता है। इसके रोकथाम के लिए वही अच्छे रोकथाम के लिए एंटीबायोटिक देते हैं। एंटीबायोटिक में एंड्रोस्टेट, बासेप्ट और एक्जॉन, सेप्टिफर सोडियम, मार्केट में जो एक से एक मेडिसिन उपलब्ध हैं उनको दिया जाता है जानवर के साइज के हिसाब से, वेट के हिसाब से कि कितने वेट का एनिमल है। साथ में एविल देते हैं, सपोर्टिव ट्रीटमेंट में लेवामेसॉल देते हैं, हीविट बी कॉम्प्लेक्स, ताकि जानवर जल्दी से जल्दी रिकवरी पर आ जाए। और इसमें मिल्क प्रोडक्शन जानवर का एकदम डाउन हो जाता है, उसके लिए भी कैल्शियम मिनरल मिक्सचर आगे चला के सपोर्टिव ट्रीटमेंट में इसकी रिकवरी की जाती है। दूसरा है ब्लैक क्वार्टर। ब्लैक क्वार्टर रोग में किसान भाइयों क्या होता है कि जानवर के जो थिक मसल्स हैं शरीर में, जैसे हिप की मसल्स हैं, पुट्ठे की मसल्स हैं, उसमें सूजन आ जाती है। वो जब उस आस्कल्टेशन करते हैं जानवर का तो क्रिपटेटिंग साउंड आती है, और साथ में इसमें एकदम तापमान बढ़ जाता है और जानवर चल नहीं पाता क्योंकि सूजन रहती है शरीर में। इसके लिए भी किसान भाइयों सरकार ने समय समय पर निर्देश दिए हैं कि रेगुलर वैक्सीनेशन अपने अपने क्षेत्रों में किया जाए। तो हम लोग 5 ml सबकट एलम प्रेसिपिटेट वैक्सीन यहाँ पर अपने क्षेत्र में करवाते हैं ताकि ये रोग ना आए। और बाय द वे रोग आ जाता है तो इसी तरीके से मार्केट में जो हायर एंटीबायोटिक्स हैं उनको अवेलेबल है उनको लगाते हैं। और चूंकि पैरों में सूजन रहती है तो मेलोक्सिकैम, रेस्ट, इन्फ्लेमेट बोलस, इस तरीके की इन्फ्लेमेटरी दवाई, एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयाँ लगाते हैं ताकि ये रोग कंट्रोल हो जाए। और सपोर्टिव ट्रीटमेंट के लिए बी कॉम्प्लेक्स हीविट देते हैं ताकि जल्दी से जल्दी जानवर रिकवरी पर आ जाए और उसका प्रोडक्शन नॉर्मल हो जाए। घर की चौखट से निकलकर जब भी कुछ अलग करने की ठानी, जज्बे और समझ से बदली खुद अपनी कहानी। चाहे हो पुरानी परंपरा को बचाना या फिर हो घर के खर्च को चलाना, चुनौतियों को पार कर जिंदगी में था आगे जाना। हर ग्रामीण महिला बने मिसाल। देखिए इनके संघर्ष की दास्तान, सच होंगे सपने। हर शुक्रवार रात 9:30 डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। गर्व भारत के विकास का। गौरव प्रगति के विश्वास का। चेहरा भारतीय किसान का। परचम भारत की शान का। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों ये था हमारा आज का अंक। हमें उम्मीद है हर अंक की तरह ये अंक भी आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। कार्यक्रम में दी गई जानकारियाँ आप सभी को कैसी लगती हैं आप हमें पत्र द्वारा अवश्य सूचित करें। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल, पिन 462013। तो किसान भाइयों अगले अंक में कुछ और कृषि संबंधी नई नई जानकारियों के साथ हम एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।